दोस्तों, दुनिया में हर दिन नए नए तरह के वायरसेस जन्म लेते रहते हैं, जिसमें से कुछ को तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ही संभाल लेता है, लेकिन कई तरह के वायरसेस इस तरह से बन जाते हैं जिसका इलाज किसी के पास नहीं होता। ऐसा ही एक HIV नाम का वायरस भी है, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसे एड्स भी कहा जाता है। इसका इलाज कई सालों से खोजा जा रहा है, पर सटीक इलाज आज तक नहीं मिल पाया है, जिस वजह से हर साल 5,000 लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं। लेकिन HIV में ऐसी क्या खूबी है जिस वजह से इसका इलाज नहीं मिल पा रहा है, और ये शरीर में कैसे फैलता है? इसके अलावा कई लोग ये भी कहते हैं कि ये वायरस बंदरों से इंसानों में फैला है। सोचकर ही काफी अजीब लगता है, पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि HIV क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे फैला। पर वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले जानते हैं HIV क्या होता है। HIV को ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, जो एक वायरस की शक्ल में इंसानी शरीर में दाखिल होता है। ये ज्यादातर मॉडिफाइड फ्लूइड जैसे सीमन, ब्रेस्ट मिल्क या फिर ब्लड के रास्ते फैलता है, और HIV शरीर में पहुंचते ही टी सेल्स पर असर दिखाना शुरू करता है। टी सेल्स आपकी बॉडी को बाकी दूसरे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन HIV इन्हें खत्म करने का काम शुरू कर देता है। HIV के शरीर में दाखिल होने पर आपको हल्के जुकाम से लेकर पूरे शरीर में दर्द की शिकायत भी हो सकती है, क्योंकि HIV आपके शरीर के सभी सेल्स पर अटैक कर रहा होता है। कुछ वक्त बाद ये सिम्टम्स चले जाते हैं, लेकिन HIV आपके शरीर में महीनों, सालों और कई बार तो दशकों बाद इस वायरस को आप फिर से महसूस कर सकते हैं, जिसे एड्स कहा जाता है। एड्स यानी कि एकार्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम। किसी भी इंसान को एड्स की कंडीशन में तब पाया जाता है जब उसके खून में टी सेल्स की मात्रा 200 सेल प्रति माइक्रोलीटर या उससे कम हो जाए। एक हेल्दी इंसान के खून में टी सेल्स की संख्या 500 से 1500 सेल्स प्रति माइक्रोलीटर रहती है। एड्स की कंडीशन तक पहुंचने तक ये वायरस आपके शरीर के ज्यादातर टी सेल्स को खत्म कर चुका होता है, और आपके शरीर का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसा होने पर आपको हुआ मामूली सा जुकाम भी भयानक रूप ले सकता है, और बॉडी में उससे लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में टी सेल्स ना होने की वजह से ये आपकी जान भी ले सकता है। लगभग ज्यादातर एड्स पेशेंट की जान इन्हीं छोटी मोटी वजहों से ही जाती है। आज एड्स के बारे में काफी जानकारी अवेलेबल है, लेकिन 1980 के दशक में जब ये महामारी पहली बार दुनिया के सामने आई थी, तो लोगों को ये भ्रम था कि ये गेज या फिर होमोसेक्सुअल की वजह से ही फैलती है, क्योंकि ज्यादातर शुरुआती एड्स पेशेंट गेज या होमोसेक्सुअल्स ही थे। इस वक्त तक डॉक्टर्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी फैलने की वजह क्या हो सकती है, और ये उनके लिए एक नई चुनौती बन चुका था। धीरे धीरे ये बीमारी गेज लोगों के अलावा ऐसे लोगों में भी दिखने लगी थी जिन्होंने कभी ब्लड ट्रांसप्लांट कराया था या फिर IV ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। मई 1983 में दो इंडिपेंडेंट स्टडीज कराई गई, जहां पर ब्लड ट्रांसप्लांट के वक्त प्लग में फंगिया बैक्टीरिया को जांचा गया था, जिसमें ऐसे दूसरे वायरस जैसी कोई चीज सामने तो नहीं आ पाई थी। फिर ये अंदाजा लगाया गया कि ये वायरस ही है, पर ये वायरस आया कहां से था? साइंटिस्ट ने देखा कि एड्स जैसी बीमारी कुछ बंदरों की प्रजातियों में भी पाई जाती है, और जब एड्स पेशेंट के सैंपल को इन बंदरों के सैंपल से मिलाया गया तो पता चला कि उनका अंदाजा बिल्कुल सही था, और ये वायरस बंदरों से ही इंसानों में आया है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कई लोग और जनजातियां अपने खाने के लिए बंदरों का शिकार करती हैं, जिस वजह से मुमकिन है कि उसी दौरान गलती से इस वायरस ने एक जंप लिया हो और इंसानी शरीर में दाखिल हो गया हो। दोस्तों, इसे डीकट हंटर हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कहती है कि किसी बंदर या चिंपांजी का शिकार करते हुए हो सकता है कि कोई खून की बूंद अगर उस शिकारी के शरीर पर लगी किसी चोट से उसके शरीर में दाखिल हो गई हो। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वायरस कांगो से आया था और ये 1908 के करीब इंसानी शरीर में दाखिल हो गया था। इसके बाद ये धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता रहा, साथ ही म्यूटेट भी होने लगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि साल 1920 के करीब ये वायरस किनशासा शहर में पहुंचा और वहां पर वैश्याओं से ये वायरस आगे फैलता गया। साथ ही ये वही वक्त जब इस्तेमाल की गई सिरिंज डिस्पोज नहीं की जाती थी और एक ही सुई से कई लोगों को वैक्सीनेशन दी जाती थी, जो इसके और ज्यादा फैलने का कारण बना। लगभग HIV वायरस की 9 से ज्यादा सब टाइप्स हैं, जिनमें सब टाइप सी वहां से निकलकर साउथ की तरफ पहुंचा, और अफ्रीका में उस टाइम पर ब्रिटिश राज के कारण वहां कई भारतीय भी रहते थे, और ये वायरस वहां से लौटे लोगों से भारत पहुंचा। सब टाइप ए के ज्यादातर सैंपल्स अफ्रीका में ही पाए गए हैं, और सब टाइप बी भी इसी तरह अमेरिका पहुंच गया। फ्रेंच लोगों के कांगो छोड़ने के बाद वहां 1960 में हाइती से आकर लोग बसने लगे, लेकिन फिर 1965 में कांगो की जगह ज़ेर नाम के एक देश की स्थापना की गई और हाइती से आए लोगों को वापस लौटना पड़ा। ये लोग भी अपने साथ ये वायरस लेकर अपने घर पहुंचे। हाइती में ये वायरस काफी तेजी से फैला। उसकी एक वजह थी उनका ब्लड डोनेशन अभियान, जिसके बदले लोगों को पैसे भी मिलते थे, और यही ब्लड की बोतल दुनिया भर में पहुंची। HIV अब पूरी दुनिया में आ चुका था, पर इसका इलाज भी खोजा जा रहा था। सबसे पहले ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स एड्स से ग्रस्त पेशेंट को जिंदा रखने के लिए उसके शरीर में आने वाले हर इन्फेक्शन को जल्दी खत्म कर देते थे, ताकि वो भयानक रूप ना ले ले। लेकिन फिर भी इसके बाद पहले HIV के इलाज के तौर पर अजीथोथैमेडाइन या AZT इस्तेमाल करने लगे। इससे ट्रीट किए जाने वाले पेशेंट बाकी ट्रीटमेंट के मुकाबले ज्यादा जी पाते थे, उनके शरीर में टी सेल्स भी ज्यादा मात्रा में होते थे। लेकिन AZT के साथ
दो बड़ी परेशानियां थी, जिनमें पहली थी उसका महंगा होना और दूसरी थी उसके साइड इफेक्ट्स। एजेक्टी लेने वाले लोगों को नींद न आने से लेकर मसल वीकनेस, हार्ट और लीवर डैमेज जैसी शिकायतें भी होने लगी थी। एजेक्टी दरअसल शरीर में HIV सेल्स को बढ़ाने से रोक रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वो शरीर के बाकी सेल्स को बनने से भी रोक रहा था, जिस वजह से सब साइड इफेक्ट्स हुए। इसके बाद हल्का डोज देना शुरू किया गया, लेकिन अब दूसरी परेशानी ये थी कि जब तक लोग ये दवाई खा रहे थे तब तक ये वायरस कंट्रोल में रहता था और उसके बाद फिर से ये शरीर में अपना असर दिखाने लगता था। डॉक्टर्स को पता चला कि ये HIV भी शरीर में छुपने और म्यूटेट होने में माहिर था। इसके बाद वायरस को इस तरह से बढ़ने से रोकने के लिए प्रोटीन इन हैबिट्स की मदद ली जाने लगी, जो HIV की शुरुआत में ही उसे मल्टीप्लाई और म्यूटेट होने से रोक देते थे। ये वाला ट्रीटमेंट भी कुछ वक्त के लिए ही काम में आया। परेशान साइंटिस्ट ने एक तरकीब निकाली और इन दोनों ही ट्रीटमेंट को मिक्स करते हुए इनके कॉकटेल डोजेस पेशेंट को देने शुरू कर दिए। इससे काफी हद तक सफलता हासिल हुई। आज के समय में दोनों के साथ कई और तरह की दवाइयों को मिलाकर ये कॉकटेल डोजेस बनाई जाती हैं और इस समय एड्स के लिए सबसे बेहतरीन इलाज यही है। इसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहा जाता है या ART भी कहते हैं। लेकिन ART को भी HIV मरीज को पूरी जिंदगी लेना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।